हबीब को खाना भी हमको गाली देने लगा कि तुम कहीं से भी ला के सामान दो, तुमको देना होगा नहीं तो तुमको अंदर कर देंगे। और ये साजिश करके घटना को अंजाम दे दिया और सामान सब जो है गायब करवा दिया। भागलपुर के हबीबपुर थाना में अगर आप फरियाद लेकर जा रहे हैं तो जरा संभल जाइए। यहाँ के थानेदार कृपा सागर आप पर ऐसी कृपा करेंगे कि आप सीधे वरीय पुलिस अधिकारी के पास जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। थाना में आपको पुलिसिया रौब का सामना भी करना पड़ सकता है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि पीड़ित व्यक्ति खुद कह रहा है। दरअसल शनिवार को भागलपुर SSP बाबू राव के पास हबीबपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मद अशफाक अहमद थानेदार कृपा सागर की शिकायत लेकर न्याय की गुहार लगाने आया था। अशफाक ने SSP को दिए गए आवेदन में लिखा है कि जब वह चोरी की घटना को लेकर हबीबपुर थाना गया तो थानेदार ने न सिर्फ उसे खाकी वर्दी का रौब दिखाया है बल्कि बदतमीजी से बात की और हवालात में बंद करने की धमकी दे डाली। बता दें कि हबीबपुर थाना क्षेत्र के शाहजंगी में 12 जनवरी को पूर्व पंचायत समिति अशफाक के घर चोरी की घटना हुई थी, जिसको लेकर अशफाक की पत्नी नुदरत जबी ने हबीबपुर थाना में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जिसमें घर से 7 भरी सोना, 95 भरी चांदी, 2,00,000 कैश, CCTV का DVR और अन्य कीमती सामान की चोरी होने की सूचना पुलिस को दी गई थी। गौरतलब हो कि अशफाक की पहली शादी रिटायर्ड DSP मोहम्मद कलामुद्दीन की बेटी नेमत परवीन से हुई थी। वही चोरी की घटना में नया मोड़ तब सामने आया जब रिटायर्ड DSP मोहम्मद कलामुद्दीन ने थाने में आवेदन देकर अपने दामाद पर ही घर में चोरी करवाने का आरोप लगा दिया। कलामुद्दीन का आरोप है कि अशफाक ने उसकी मृत बेटी की संपत्ति हड़पने की नीयत से चोरी करवाई है, जबकि पूर्व पंचायत समिति सदस्य अशफाक का आरोप है कि हबीबपुर थानेदार कृपा सागर रिटायर्ड DSP के कहने पर उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। अशफाक ने बताया कि पुलिस चोर को पकड़ने के बजाय चोरी का सामान पूर्व DSP को लाकर देने का दबाव बना रही है। SSP को दिए गए आवेदन में अशफाक ने कहा है कि कारोबार के सिलसिले में वह बाहर गया हुआ था, इसी बीच घर में चोरी की घटना हो गई। इधर SSP बाबूराम से मिलकर पीड़ित ने कहा कि अगर मैं दोषी हूं तो मुझे सजा दीजिए, नहीं तो न्याय। साथ ही उन्होंने चोरी मामले की जांच हबीबपुर थानेदार कृपा सागर को छोड़कर अन्य पुलिस पदाधिकारी से कराने की गुहार लगाई है। चोरी हो गया, हम 5 तारीख को कपड़े के बिजनेस के लेके उड़ीसा चले गए थे, फिर जब हमारी वाइफ आई तो फोन करी कि आपके घर में चोरी हो गया है। हम तो 12 तारीख को थाना फोन करें तो वहां से प्रशासन आई, चेक करके गई। जब 13 तारीख को हम थाने पर मिलने के लेके इसका जांच कराया जाए, कुत्ता लाने ला के जाँच कराया जाए, तो मेरे ससुर JSP मोहम्मद कलामुद्दीन और सनोवर मिल के हमको गाली दिया। फिर हबीबपुर थाना भी हमको गाली देने लगा कि तुम कहीं से भी लाके सामान दो, तुमको देना होगा नहीं तो तुमको अंदर कर देंगे और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम इस वजह से SP साहब के पास आके एप्लीकेशन दिए। हम लोग शोक में थे और सोच रहे थे कि 40 दिन के बाद हम लोग जाएंगे, सामान जो है ले आएंगे। इसी बीच में ये साजिश करके घटना को अंजाम दे दिया और सामान सब जो है गायब करवा दिया। तो आपने थाना में क्या गुहार लगाया है? गुहार लगाया कि साजिश करके वो जो है इस घटना को अंजाम दिया।